हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केपीआर मिल के बारे में। केपीआर मिल में ऐसा क्या हुआ है, और एक बहुत ही बढ़िया आज वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है और प्राइस ब्रेकआउट आया है। तो इसमें हम बिल्कुल देखेंगे कौन कौन से लेवल्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंस जिसकी इम्पोर्टेंस है। और हमने कल ही बात की थी निफ्टी के बारे में। निफ्टी आप देख सकते हैं किस तरह से रिकवरी के मोड में दिख रहा था, बट उसके बाद जिस तरह से इसने गिवअप किया है अपनी सारी ही चाल को, तो वो आप देख सकते हैं। कल ही हमने बात की थी इस पर कि अब हो सकता है ये और नीचे के लेवल दिखाए, और अगर 23,900 समथिंग लेवल जो मैंने आपको बताया था वो लेवल अगर क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, तो बहुत ही निचले लेवल्स खुल जाएंगे। तो आज वो लेवल्स पर ही आपको दिख रहा है, उसी के आजू बाजू दिख रहा है। अगर कल रिकवरी आती है और आपको ये किसी भी तरह से 24,500 के आसपास दिखता है या 24,400-25,000 के आसपास दिखता है, तो आपको बिल्कुल एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है अगर आप ट्रेडर हैं तो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल इसमें स्लोली एंड स्टीडीली निबलिंग करते रहिए, बिकॉज वही एक तरीका है जहाँ पर आप अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। हमने कल HDFC लाइफ के बारे में बात की थी, हालांकि वो निचले नीचे आ गया, और क्योंकि मार्केट नीचे आया उसके बाद HDFC लाइफ भी नीचे आया, LIC भी नीचे आया, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट मैंने आपको जैसे बताया 600 का लेवल है जो कि आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 600 के जितने नज़दीक मिल जाए उतना बढ़िया, और 600 या 590 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तो मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि अभी के अभी सारा खरीद लीजिए, पैसा लगा दीजिए, और अपना ज़मीन जायदाद बेच के आप पैसा लगा लीजिए। मैं आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस बताता हूँ, आपको लेवल्स भी बताता हूँ कि अगर निचले स्तर ऊपर मिलेगा तो एक्यूमुलेट कीजिए इस तरह के स्टॉक्स को, और बहुत अच्छा मुनाफा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो वीकली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज आपको डेली इस तरह के आइडियाज़ आप इसी चैनल पर मिलते रहते हैं। और अगर आपके पास पोजीशन होंगी तो आप बिल्कुल ये देख सकते हैं, वीडियोज़ आपके काम की होने वाली है। आज बात कर लेते हैं KPR मिल के बारे में। KPR मिल आई थिंक बहुत ही टाइम बाद मेरे रडार पर आया है, और रडार पर आने का कारण भी है इसने कि जो ब्रेकआउट दिया है, अच्छा ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट 910-920 के आसपास का ये ब्रेकआउट है। और ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा ये 920 के आसपास का जो ब्रेकआउट है ये बहुत ही बढ़िया है। और कब से चल रहा है ये ब्रेकआउट का सिलसिला, ये नवंबर 23 से अभी तक इस लेवल को इसने क्रॉस नहीं किया है, तो ये एक अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है। अगर ये मान लीजिए 928 या 920 या 910 के आसपास आपको किसी भी गिरावट में मिल जाए, या फिर अभी आपको थोड़े दिन में ही अगर ये 920 के आसपास मिल जाता है, बहुत बढ़िया लेवल होगा, वहाँ पर आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। रडार पर ज़रूर रख सकते हैं, इसमें डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा मेरी कोई पोजीशन नहीं है और ना ही कोई रिकमेंडेशन है, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ फ्यूचर में, तो आप जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइसर डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो ये जो KPR मिल का चार्ट लग रहा है, चार्ट बढ़िया लग रहा है, चार्ट पैटर्न बढ़िया है, और इसने जो भी दो बार तीन बार सपोर्ट लिया, इसने 200 EMA पर ही सपोर्ट लिया, ये देखेंगे तो ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। ये दोनों बार जो है 200 EMA पर ही इसने अपना सपोर्ट लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर आपको मैं हर बार बताता हूँ कि ये कुछ क्रूशियल लेवल्स होते हैं, 200 EMA या फिर 50 EMA, 100 EMA या 20 EMA, कुछ क्रूशियल लेवल्स होते हैं जहाँ पर कि आपको बिल्कुल 200 EMA के आसपास अगर कोई भी स्टॉक मिल जाए, तो एक बार 200 EMA या उसके और 2-4-5% नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बिकॉज हो सकता है किसी भी गिरावट में 2-4-5% नीचे भी जा सकता है कोई भी स्टॉक, बट उसके नीचे अगर जाने लगे तो एक बार के लिए निकल सकते हैं, बट अदरवाइज़ बहुत ही बढ़िया लेवल होता है 200 EMA। अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आपको जैसे मैंने बताया कि इसका 20 EMA जो है 870 के आसपास है। अगर आप 900 के आसपास, 910, 920 के आसपास आप पोजीशन बनाते हैं, तो 870 का आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो फिर 900, 910 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और बिल्कुल इस पोजीशन में बने रहिए। KPR मिल्स में कहाँ तक जा सकता है, अब नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा इसका, तो नेक्स्ट पड़ाव आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 1010 के आसपास, 1010, 1010 का इसमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, तो वो एक आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1010 या फिर 1020 भी मिल सकता है। बट आपको अगर साइकोलॉजिकली एक रेजिस्टेंस की तरह 1000 रुपीज़ भी काम करेगा, तो 1000 के आसपास अगर मिलता है तो और आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हैं तो 1000 के आसपास अगर मिलता है तो आप बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है KPR मिल, और बहुत ही अच्छा इसने पैसा कमा के दिया भी है इन्वेस्टर्स को। अभी आप देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो 63 का RSI आ रहा है जो कि बहुत अच्छा है।
आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको अच्छे खासे मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आपको, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको जो वॉल्यूम ब्रेकआउट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं इस तरह का वॉल्यूम आपको पिछले कितने दिनों में नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल वॉल्यूम्स ही नहीं थे, बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम थे। और आज जो ये ब्रेकआउट दिया है बड़ा सा वॉल्यूम के साथ, ये ग्रीन बार बनाई है, 14.5% का रिटर्न दिया है एक ही दिन में। तो ये जो ग्रीन बार बनी है बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स इसमें शो कर रही है। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट के अलावा अगर आप एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देखना चाहते हैं तो एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर भी आपको क्लियर कट इंडिकेशन है, ये जो इसने पिछला ब्रेकआउट दिया था वो ब्रेकआउट दिया था इसने ऑलमोस्ट 770 के आसपास का। तो अगर आपकी बहुत ही पुरानी पोजीशन है, मान लीजिए 200 300 के आसपास आपने पोजीशन बना रखी है, 400 500 के आसपास पोजीशन बना रखी है, तो फिर 770 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये ब्रेकआउट इसने कब आया था, इसका ये लेवल था 770 वाला जनवरी 2022 में। और इसने तोड़ा कब था ये लेवल, इसने ये लेवल तोड़ा था ऑलमोस्ट 23 अक्टूबर में। तो ऑलमोस्ट 2 साल लगाए थे इसने ये लेवल को तोड़ने में भी। और उसके बाद यहीं पर ही देखिए काफ़ी टाइम से ये एक एक इसी दायरे में ये घूम रहा है। ये आप देखेंगे तो एक दायरा है, ये दायरा कहाँ से, 770 से लेके 910 920 के बीच का दायरा है। तो इस दायरे से अब ये निकल चुका है, नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट हो चुका है। जैसे मैं आपको हर बार बताता भी हूँ कि जो भी स्टॉक है वो अपने ऑर्बिट चेंज करता है हर थोड़े टाइम बाद। तो अब आपको ये जो ऑर्बिट चेंज हुआ है, अब अगर 900 का अगर लेवल ये बचा जाता है कल के सत्र में या आने वाले दिनों में, तो फिर इसमें 1010 और 1020 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। ये हो जाता है वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट पर भी अगर आप RSI देखते हैं तो अभी भी RSI इसका 65 है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। और ये ही एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अभी के सत्र में, अगर अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं, चार्ट पैटर्न्स में ज़बरदस्त लग रहा है। इसको मंथली के चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा 770 का तो तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 770 के आसपास ही इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है 760 का। तो 760 770 ये जो ब्रेकआउट आया था सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है और सिग्निफिकेंट लेवल है जहाँ पर कि आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। बट उसके ऊपर 910 का जो लेवल है ये भी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट का लेवल है और इसके ऊपर अब चलना शुरू ऑलरेडी हो चुका है। इस मंथ में आप देखते हैं अभी अगस्त में कितने दिन निकले हैं, ऑलमोस्ट 6 दिन ही निकले हैं, बट इस मंथ में ऑलरेडी 8 8.5% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी भी बहुत तेज़ नहीं भागा है, आज ही के सत्र में ये ब्रेकआउट आया है। अगर आपको ये कल के सत्र में 900 920 के आसपास मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल होगा और उसमें आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाकर उस पोजीशन को बना सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और अपने रडार पर रख सकते हैं। तो ये हो जाता है मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पर भी अगर आप देखते हैं RSI 69 का है तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों ही टाइम फ्रेम पर RSI आपको बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मोमेंटम ज़बरदस्त है। वॉल्यूम बार जो आपको बता रहा है, वॉल्यूम बार भी आपको बता रहा है कि बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी हो रही है KPR मिल में, तो बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। ये व्यू हो जाता है मेरा KPR मिल पर। अगर आपके पास पोजीशन है KPR में तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आपको बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा, और जो कमेंट्स हैं वही एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है या फिर आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन देती है कि हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड जो स्टॉप लॉसेज है उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये मेरा व्यू हो जाता है KPR मिल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।